देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 भी कितना आसान है। एक आपके पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर का है। यहाँ पे आपके पास एक मास है, कितने का है? 250 ग्राम। एम के साथ जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और डब्ल्यू के साथ जी का मतलब आप जानते ही हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो मास के साथ जी है, ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या कर दे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आप कहेंगे सर 0.25 kg का हमारे पास होगा। क्या भाई साहब रखोगे तो ये क्या होगा, सप्रेस करेगा, धरती माता खींचेगी। तो कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है वो एक्स जो कंप्रेस होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है। इसको भी मीटर बना लीजिए, बड़े आराम से 10 सेंटीमीटर है, तो आप 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। आप कह रहे हैं कि अगर इसको हम यहां से छोड़ देंगे तो कितनी हाइट तक जाएगा? आपने कहा जितना खाना खाओगे उतना काम करेगा। जब ये एक्स सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर तक आए थे तो इनके पास जो एनर्जी कितनी स्टोर हो गई थी, ½ kx2। यही एनर्जी इनको दे देंगे ऊपर जाने के लिए, यानी कि ऊपर जा रहे हैं MGS। सपोज यहां तक पहुंचे, बस काम बन गया भाई साहब। आपका सब कुछ मालूम है, आपको 1/2 मालूम है, 100 मालूम है, 0.1 × 0.1 मालूम है, 250 ग्राम के ये हैं, G10 कह रखा, नहीं तो भी हम 10 ही लेते। काम बन गया भाई साहब, इनसे 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 ये गायब हो गया 1/2, और ये हो गया 2.5। 10 से गुणा कर दिया बेटा, और कुछ नहीं। H इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 5, राइट। और जब 5 हो जाएगा, 2.5 × 2.5 हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 लिख देंगे, यानी 0.2 मीटर। समझ में नहीं आ रहा 0.2 कितना होगा, तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए, तो अब हो गया 20 सेंटीमीटर। हाँ, आपको लगा कि चलो 10 सेंटीमीटर दबा, 20 सेंटीमीटर उछल गए। सोचने वाली बात है, सोच के बताइएगा।